ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. लोकसभा के नव निर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। न वोटिंग की नौबत न कोई विरोध, लगातार दूसरी बार ओम बिरला को स्पीकर चुनने के लिए जिस तरह प्रांड मोदी और नए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी में जुगलबंदी दिखी, उसे ओम बिरला की सर्वसम्मति का रास्ता मुमकिन हुआ। आपको औपचारिक तौर से कह रहा हूं, हमने डिवीजन नहीं मांगा। मांगा क्योंकि हमने उचित समझा कि पहले दिन एक आम सहमति बने, एक आम सहमति का माहौल बने, एक रचनात्मक कदम था हमारा। There was a voice vote. We were ready with the numbers, but for division of the votes, the party will have to demand. So there was no formal demand from the opposition side. But the Congress MPs, they are alleging that they no, no. One or two members may say that, but it has to be formally requested by the people who move the resolution, those who move the motion. भले ही तीसरे टर्म में ब्रांड मोदी 32 सीटों से बहुमत से चूक गए हों, मगर मंत्रिमंडल से लेकर स्पीकर के चयन तक पीएम मोदी का वही ट्रैक रिकॉर्ड दिखा जैसा पिछले कार्यकाल में था। लगातार दूसरी बार निर्विरोध स्पीकर चुने गए ओम बिरला के पीछे मैसेज यही है, ब्रांड मोदी के फ्लोर मैनेजमेंट का तोड़ अभी भी टीम राहुल के पास नहीं है, वरना कांग्रेस ने सरप्राइजिंग फैसले के तहत अपने 51 सांसद के सुरेश का नामांकन भी करा दिया था। तो फिर आखिरी घंटे में कहानी कैसे बदल गई? मत विभाजन की मांग से क्यों पीछे हटा इंडिया गठबंधन? विपक्ष की शर्तें ही पूरी, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी? क्योंकि जो जानकारी है उसके मुताबिक ममता बनर्जी बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी कि उन्हें उनसे बगैर बात किए, टीएमसी से बगैर पूछे, कांग्रेस ने एक तरफा निर्णय लेते हुए अध्यक्ष पद के लिए ऐलान कर दिया। उसके साथ राजनाथ सिंह ने बात करके डीएमके को अपने पक्ष में ले लिया था, निर्दलीयों के पक्ष में आने की बात आई, तो इससे एक तरीके से विपक्ष बैकफुट पर आया और उसे लगा कि उसके गठबंधन में फूट की बात सामने आ जाएगी, लिहाजा डिवीजन की मांग नहीं हुई। मोदी सरकार किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार थी। एक तरफ सर्वसम्मति का रास्ता बनाने के लिए राजनाथ सिंह और किरेन रिजिजू जैसे दिग्गज नेता विपक्षी नेताओं से संपर्क कर रहे थे, तो दूसरी ओर सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट 8 निर्दलीय सांसदों के साथ तालमेल की कड़ियां जोड़ रहा था। स्पीकर चुनने के लिए सरकार के पास जरूरी आंकड़े पहले से ही थे, मगर मोदी सरकार पहली अग्नि परीक्षा में इंडिया गठबंधन को बड़ा मैसेज देना चाहती थी। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने के बाद सदन की कुल संख्या 542 हो गई थी, इसीलिए स्पीकर के लिए जरूरी वोट 271 चाहिए। एनडीए के पास 293 सांसदों की ताकत है, 8 निर्दलीय और वाईएसआरसीपी के 4 सांसद समर्थन देने पर राजी हो गए थे। सांसद भी संपर्क में थे, जबकि इंडिया ब्लॉक के 233 सदस्य हैं, जिसमें 4 सांसद शपथ नहीं ले पाए थे। अगर चुनाव होता मोदी 3.2 300 पार वोटों से जीतकर बड़ा संदेश दे सकती थी, जबकि इंडिया गठबंधन के लिए क्रॉस वोटिंग का खतरा था। चुनाव की नौबत आती तो इसका ठीकरा सरकार विपक्ष के अड़ियल रवैये पर फोड़ती, जबकि इंडिया गठबंधन सैद्धांतिक लड़ाई पर फोकस करता। इससे भी ज्यादा इंडिया गठबंधन के सामने क्रॉस वोटिंग के संभावित खतरे और उसके साइड इफेक्ट का भी डर था। राहुल गांधी जी को मैं देख रहा था, राहुल गांधी जी उठे या ना उठे, चिल्लाए या ना चिल्लाए, वो एक बार अखिलेश जी को देखे, एक बार अपने लोगों को देखे। सारे लोग उनके खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, वो उनको देखे, फिर अखिलेश जी को देखे, फिर टीआर बालू जी उनके बगल में ही है। दादी माँ ने क्या किया था टीआर बालू जी का, तब राहुल जी को याद आ जाए। बीजेपी अब कांग्रेस से कमजोर नस दबाने लगी है। दरअसल मंगलवार रात को कांग्रेस अध्यक्ष घर पर हुई मीटिंग में काफी देर तक नंबर गेम पर चर्चा हुई थी। माना ये जा रहा है कि इसी के बाद इंडिया गठबंधन का स्टैंड बदला। ध्वनि मत से पास किया है और हमने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया, एक परंपरा का पालन किया, लेकिन हमने दिखाया है कि आपके सामने एक मजबूत विपक्ष खड़ा है और
एक बहुत ही मजबूत विपक्ष नेता, नेता प्रतिपक्ष भी बैठा है, ये हमने उनको आज अलर्ट नोटिस दिए। 200 पार की संख्या से इंडिया गठबंधन जोश में है और पूरी तरह एकजुट रहने का संदेश भी दे रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन के पहले ही फैसले पर मंगलवार को टीएमसी के दिग्गज नेता अभिषेक बनर्जी ने सवालों के तीर चला दिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने उनसे बगैर संपर्क कैंडिडेट उतार दिए। कॉन्टैक्ट किया था कांग्रेस ने, आरोप है कि कांग्रेस ने कॉन्टैक्ट नहीं किया, कोई बातचीत नहीं हुआ है। एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। अभिषेक बनर्जी के बयान के बाद कांग्रेस के अंदर थिंक टैंक एक्टिव हुई। बताया ये जा रहा है कि आखिरी वक्त में राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच फोन पर बात हुई। चुनाव खत्म होने के बाद राहुल और ममता के बीच पहली बात थी और इसी बातचीत के बाद ममता ने अपने सांसदों को खड़गे के घर मीटिंग में भेज दिया। मंगलवार रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई इंडिया गठबंधन की मीटिंग सबसे अहम रही। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात को हुई मीटिंग में नंबर गेम पर मंथन हुआ और तय हुआ कि वोटिंग के बजाय सर्वसम्मति समाधान है। दिल्ली से विकास चंद्रा के साथ। और चलिए यहाँ